कठुआ से कालीबड़ी से लेकर ये कॉलेज तक आज ये लेफ्ट आउट पोर्शन है। इसको यहाँ से होते हुए टिल हटली मोड़ जितना भी है दोनों ट्यूब्स पूरे शहर को ये कवर करेगा। और कल पिछले कल हमने वो वाला उद्घाटन किया था तो उसमें भी जो रिमेनिंग काम था वो सारा हो जाएगा। इस काम से और उस काम से और कुछ काम जैसे चंबेदा बाग है, कृष्णा कॉलोनी है, पटेल नगर है, ये जो कल काम शुरू किया इसमें जो पटेल नगर वाली मेन रोड है जो नेशनल हाईवे से कॉन्टैक्ट होती है, फिर कुक ड्रीमलैंड टू टेल सोनचक गुरुद्वारा, ये तकरीबन कोई 60-70% जो मेन कनेक्टिविटी है कठुआ शहर की, तो इस कार्य से इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो लेन ड्रेन्स के काम हैं कुछ 2-3-4 करोड़ रुपये के काम लगे हुए हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कठुआ टाउन हमारी 2017 की प्रायोरिटी है। इसके बाद आज एक नीचे वाले एरिया पाकथली वाले एरिया में इस उद्घाटन के बाद तुरंत वहाँ भी उद्घाटन करेंगे। वो 24 लाख के करीब करीब वो उद्घाटन है, ये भी कोई 3 करोड़ के करीब करीब ये वाला काम है। इसके अलावा 4 करोड़ 83 लाख रुपये का काम था हमारा भोलेबंद वाला 11-12 किलोमीटर स्ट्रेच था, अब उसमें हमने फॉर्मेशन बना दी। अब लुक का उसका मैग्नेटाइजेशन का काम रहता था उसका भी आज शिलान्यास करेंगे और वो भी एक वर्केबल कंडीशन में रोड हो जाएगी। ये सारे कुल मिला के समझो कि 7-8 करोड़ रुपए के आज भी काम का उद्घाटन हुआ है। तो लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो जिस की अपेक्षा कठुआ निवासियों को भी थी कि कठुआ शहर थोड़ा स्लो इन पेस है, उस पेस को बढ़ाने का काम आज